दोस्तों, क्या आप भी इस समय कोई अच्छा सा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? तो भाई आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीज। दोस्तों, यहाँ पर जो भी स्मार्टफोन हमने पिक किए हुए सभी की कैमरा परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। सो भाई, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रेडमी की तरफ से आने वाले रेडमी नोट 11 प्रो प्लस की। गाइस, ये फोन आपको दोनों ही साइड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में मिलता है, यानी कि फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी प्रीमियम दी गई है। साथ ही में ये फोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, सो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 1200 नीट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। डे लाइट में फोटोज भी काफी कमाल की निकल कर आती हैं। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 FPS, और बैक कैमरा से आपको यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा अप टू 30 FPS। वैसे आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, जो कि लगभग यहाँ पर 4.5 लाख के आसपास अंतत स्कोर निकाल कर देता है। सो फोन की परफॉर्मेंस तो यहाँ पर अच्छी है, साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी लगा हुआ है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वहीं पर पावर हाउस की बात कर ले गाइस, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जहाँ पर 67 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है, तो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर ले तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाएगा इस, तो अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना चाहें इस बजट में, तो आप रेडमी के नोट 11 प्रो प्लस की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देंगे 19,999 रुपये। तो चलिए अब बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ। और दोस्तों, अगला स्मार्टफोन है यहाँ पर रियलमी का 10 प्रो। गाइज, ये जो फोन है आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के बहुत कमाल के दिए गए। वैसे अगर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल दी गई है, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, 700 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, उसमें आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 2 कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 108 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डीसेंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आउटपुट काफी अच्छे निकल कर आते हैं। डे लाइट और लो लाइट में भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। वीडियो की बात करें गाइस, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट, और गाइस ये स्मार्टफोन ऑन द टू पर लगभग 4.25 लाख के आसपास स्कोर करता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे इस फोन के अंदर भी आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है, सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। वैसे अगर हम पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 13 पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अप टू 7.5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो अगर आप अच्छे कैमरास के साथ में रियलमी की तरफ से फोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 18,999 रुपये। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसके अगले फोन की तरफ। और अगला स्मार्टफोन एक नॉन चाइनीज फोन है, जो कि आपको काफी अच्छे कैमरास के साथ में मिलता है, और ये फोन यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M33। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी अच्छे दिए गए हैं। वैसे दोस्तों, डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली PLS LCD पैनल। जी हाँ दोस्तों, IPS से थोड़ी सी डाउनग्रेड है। साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से आपको ठीक मिलती है, लेकिन कलर्स वगैरह आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं क्वाड कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा 50 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया और आउटपुट भी दोस्तों यहाँ पर काफी कमाल के निकल कर आते हैं। डे लाइट में तो अच्छी फोटोज आती हैं, लो लाइट में भी आप यहाँ पर डिसेंट फोटोज निकाल सकते हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं।
वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 fps, और फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 fps। तो चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5nm Exynos का 1280 का चिपसेट, जो कि दोस्तों एक डिसेंट सा चिपसेट है, ये गेमिंग के लिए बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग यहाँ पर 400,000 के आसपास स्कोर करता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी निकाल कर देता है। इन सभी के अलावा LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें गाइस, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5 mAh की बैटरी मिलती है, 25W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई एडेप्टर नहीं दिया गया, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, जहां पर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइस, ये स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये काफी अच्छी बात है। बात करें प्राइसिंग की, सो गाइस, ये जो फोन है ये आपको मिलता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में लगभग 19,000 रुपये की प्राइस पर, बट दोस्तों मैं कहूंगा कि सेल में ये जो स्मार्टफोन है आपको 15-16,000 रुपये की प्राइस पर मिल जाता है, तो आप उस दौरान स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, बढ़ते हैं इसके अगले फोन की तरफ, और ये स्मार्टफोन आपको कैमरास के साथ साथ अच्छा खासा OIS का फीचर भी देता है। ये स्मार्टफोन है मोटोरोला का G82। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के काफी अच्छे दिए गए। वैसे ये फोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 inches की एक फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 700 nits की ब्राइटनेस, 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी कमाल की मिलती है। वहीं पर कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास दिए गए, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50MP का, और यहाँ पर आपको OIS का फीचर मिल जाता है, साथ ही में 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो और 16MP का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया। वैसे आपको यहाँ पर इमेज आउटपुट भी काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, डे लाइट के साथ साथ लो लाइट में भी आप यहाँ पर डिसेंट फोटोज निकाल सकते हैं। इस सभी के अलावा आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 fps। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, बट गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये अराउंड 400,000 के आसपास अंततः पर स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी निकाल कर देता है, बट दोस्तों गेमिंग के लिए स्मार्टफोन नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 30W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन और एंड्रॉइड 12 के साथ में स्मार्टफोन आपको मिलेगा, लेकिन एंड्रॉइड 13 आपको बहुत जल्द इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर स्टॉक UI के साथ में एक अच्छा सा कैमरा फोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपये। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते लिस्ट के आखिरी और वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन की, और गाइस ये फोन यहाँ पर iQOO का Z6 Pro 5G। फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के बहुत कमाल के दिए गए हैं। साथ ही साथ इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन है, पैंडा ग्लास का सपोर्ट है और AMOLED की पैनल आपको यहाँ पर दी गई है। इन सभी के अलावा 1300 nits की ब्राइटनेस है, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन, 90Hz की रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी काफी कमाल की है, बस आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप 9 से काम चलाना पड़ेगा। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 cameras मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा 64MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो शूटर और 16MP का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर दिया गया। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, लो लाइट में भी आपको यहाँ पर डिसेंट आउटपुट मिल जाते हैं। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 fps, और फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 fps। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट, लेकिन इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज देखने को मिलता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 5,50,000 के आसपास स्कोर करता है, जो कि देखा जाए तो अच्छे स्कोर है। परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती है, डेली टास्क और इजीली आप यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। वैसे अगर हम इस फोन की पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 4700mAh की बैटरी मिलती है, 66W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल में फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक और कोई भी कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों गेमिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर काफी अच्छे कैमरास भी मिल जाते हैं। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए नॉर्मली आपको यहाँ पर 30,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, बट बैंक ऑफर्स पर आपको यहाँ पर 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि इफेक्टिवली ये जो स्मार्टफोन है आपको अंडर 20,000 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगा। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।